वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं और इनके लिए रोटी भाजी बनाई थी, ये खा के अभी चले गए हैं ऑफिस। और अभी किसू का चंपी कर रही थी मैं, तो उसका तो हो गया, वो करवा के अभी चला गया। और अभी हो रहा है अंकुर का चंपी हो रहा है, वो किसी का भी चंपी करो ना वो आके बैठ जाता है कि मेरा कर दो, उसको चंपी बहुत अच्छा लगता है। अभी किसू अपने फ्रेंड्स के साथ वेट कर कैरम खेल रहा है और बुबा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हम अभी चलते हैं नीचे। आज मुझे कुछ गर्मा गर्म पीने का अभी मन कर रहा है, चाय तो बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है पीने का, क्योंकि सर्दी जुकाम अभी अच्छे से गया नहीं है और चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सूप बना के पिया जाए। और देखिए हमारे किचन का काम आज नहीं हो रहा है, बंद है, और अभी मैं जाती हूँ और सूप बना के पी दूँ। बनाना कुछ नहीं है, है यहाँ पे सूप पैकेट है, बस इसको बना के पीऊँगी, मैं पीऊँगी और मेरे साथ बच्चे भी पियेंगे। ये एक पैकेट में बना रही हूँ ना, तो इसे हम लीनू और हमारे 4 बच्चे, ये वो हो गए 5 और हम 3 लिसा गीता में, हम 8 पियेंगे इसे। सफिशेंट हो जाता है, हम 8 लोगों को ये सफिशेंट हो जाता है, बच्चे थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं और हम तीनों को हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है सच में। तो इस सूप को बनाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से फेंट लो, थोड़ा सा टाइम दो इसको पकने के लिए और ये बन जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी किचन का काम चल रहा है, तो हम यहाँ पे रसोई कर रहे हैं, इसको मैं अभी साफ के करके गई थी ना, तो ये फिर गंदा हो गया। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा थीक भी हो गया है, तो ये अभी रेडी हो गया है। अभी गैस को बंद कर देते हैं।
बहुत टेस्टी बना है। गाजर फाजर पड़ प्रीति फ्रेंड्स, सभी बच्चे हमारे यहाँ पे सब बैठ के देखिए पी रहे हैं। सिर्फ प्रीति नहीं है, जब भी वो ये लोग कुछ खाते हैं पीते हैं, वो तब खेलने के लिए चली जाती है। गुल्लू के अंदर जी चलो लेके अंदर लगो जी। अच्छा नहीं अच्छा लगा, बुगाड़ा लगा, बुगाड़ा बुगाड़ा नहीं अच्छा नहीं लगा, खतरा खतरा लगा। हाँ ठीक है, अच्छा कैसा लगा? खतरा खतरा लगा। हाँ रखी दो समझ कर खाओ जल्दी। ए कैसा लग रहा है? बच्चे किसी के घर में है अगर आप कमेंट में बताना जरूर। शैतानों के गुरु है ये दोनों। चावल को ना मैंने 2 घंटे से सोक कर लिया था और इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है और इसका मैं बैटर बना लूँगी अभी। ये जो आइटम मैंने सोचा था ना आज बनाने के लिए, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। आज प्रिपरेशन तो मैंने ठीक से किया था, बैटर बनाया चावल का और उसमें हल्दी और थोड़ा सा पानी भी दिया, नमक लाल मिर्च पाउडर सब कुछ दिया, लेकिन जब केले की बारी आई काटने के लिए तो मैंने देखा कि लिसा ने सारे केले जो घर में थे ना कच्चे केले, उनको गोल गोल मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो मैंने तो बैटर रेडी कर दिया था ना इनके लिए बनाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये इतना मोटा मोटा कटा हुआ था तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए मैंने पका लिया लेकिन टेस्ट इसका अच्छा नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि जो सारे केले थे ना उनको मैंने पका दिया अच्छे से गर्म पानी में और उसका एक भरता जैसा बना दिया और इसको मैं डीप करके अभी फ्राई करूँगी। इसको मैंने तवे पे बनाना था लेकिन कढ़ाई रखा हुआ था गैस पे, तो कढ़ाई पे ही बना लिया। तो एक अच्छा लगा, लेकिन वो जो टेस्ट आना था ना, जो केले को पतला पतला लंबा लंबा काट कर उसको अगर डीप करके मैं उसमें फ्राई करती, उसका टेस्ट और बहुत अच्छा आता। लेकिन जब मैं आई केले काटने के लिए तो पहले से ही लिसा ने उसको गोल गोल टुकड़ों में काट दिया था वैसे ही सादा फ्राई करने के लिए। उसे पता नहीं था ना कि मैंने चावल भिगोया है ऐसे बनाने के लिए, उसको पता नहीं था तो उसने ऐसे ही काट दिया था। तो मैंने केले को अच्छे से पका दिया गर्म पानी में और उसको उसका भरता बना दिया, उसमें हल्दी सॉरी उसमें नमक और
मिर्च मिलाकर ऐसे उसको बड़ा जैसे बना दिया और चावल की जो बैटर है ना उसमें डीप करके मैंने इसे ऐसे फ्राई कर दिया। ये भी अच्छा लगा, लेकिन वो वाला जो केला जो फ्राई करती ना वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन गड़बड़ी हो गई, क्या कर सकते हैं, उसे तो पता नहीं था। ऐसी तो गड़बड़ी हो गई। ये भी अच्छा लगा, सबने खाया, सबको अच्छा लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबको अच्छा लगा और सबने खा लिया। और आज के लोग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, अपना ख्याल रखिए।